गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो ये था डे टू ऑफ पुरुलिया। काफ़ी क्लियर स्काई था और इतना घने जंगल, अच्छा रोड के साथ हम लोग आज का साइट सीन शुरू करते हैं। देखते रहिए कहाँ कहाँ जाते हैं आज और क्या क्या करते हैं दिन भर। यह है फर्स्ट स्पॉट, यह हिल टॉप व्यू पॉइंट है। ये एक डैम है मेरे लेफ्ट में, ये अयोध्या डैम। और ये आप देख सकते हैं, मैं 360 व्यू दे रही हूँ। कितना अच्छा, मतलब सूदिंग एंड ट्रीट टू आई वाला पिक्चर्स क्यू। एक फेमस शिव मंदिर है, वो वाला आए हैं। काफ़ी सुकून भरा जगह है, लेकिन मतलब बहुत शांति है यहाँ पे। मंदिर के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, ये रहा। नेक्स्ट हम लोग मूव किए लोअर डैम के तरफ। ये है लोअर डैम, आपको दिख रहा होगा। यहाँ हम लोग ज़्यादा देर खड़े नहीं हुए, तब ना मतलब आसमान तो बहुत क्लियर था लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसे ही मतलब यहाँ से दिख ही जा रहा था, तो हम लोग ज़्यादा टाइम रुके नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है तिपकापानी फॉल्स, उसके तरफ जा रहे हैं। ये है तिपकापानी फॉल्स। फॉल दिखेगा नहीं, पेड़ से ना भर गया है। अगर थोड़ा जूम करूँ तो इधर पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं। और बाकी ये पेड़ इतना घना जंगल है ना, जंगल में फॉल्स छुप गया, लेकिन आवाज़ तो बड़ी जोर आ रही है। ये देखिए पानी यहाँ से जा रहा है। बहुत अच्छा सीनिक ब्यूटी भी है इधर। और इधर को जाएंगे तो यहाँ से वो लोअर डैम दिख रहा है। और ये रहा पूरा रोड। ये आ गए हम लोग अपर डैम व्यू पॉइंट, देख सकते हैं। ज़्यादा कोई टूरिस्ट है नहीं उतना, क्योंकि जस्ट दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ है और हम लोग अभी जल्दी भी निकल गए हैं। टूरिस्ट है वैसे तो, होटल बुकिंग के टाइम पता ही चल गया था, एक भी होटल हम लोगों को रिसॉर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जिस पॉइंट पे हम लोग आए हैं ये फाका है, अच्छे से फ़ोटो वोटो अभी लेते हैं, फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। पर डैम इधर देख सकते हैं, कोई पानी नहीं है, पहाड़ बहुत अच्छा सा सीनिक ब्यूटी भी है। एंड इधर देखिए पूरा पानी है जिसको डैम ने रोक के रखा है। टर्निंग हेयर पिन बेंड के तरफ जा रहे हैं। काफ़ी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्मूथ रोड है एंड उतना ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं था। मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगी, टूरिस्ट इतना कम था तो हम लोग बहुत अच्छे से घूमे। यह है फेमस वो हेयर पिन बेंड पॉइंट है, जो सिल्क रूट जैसा लगता है। रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, आई वुड से गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड हियर। इतना स्मूद रास्ता। हम लोग अभी मयूर पहाड़ के स्पॉट वाले में आ गए हैं। ऊपर थोड़ा चढ़ाई है, थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। कौन सी जगह?
वो नीचे से हम लोग ऐसे चढ़ के आए हैं ऊपर, अभी और थोड़ा ऊपर जाना है। हम टॉप में आने से ऐसा व्यू होता है, बट ये मयूर पहाड़ क्यों नाम है ये पता नहीं चला। अगर आप लोगों को पता हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे तो व्यू यहाँ से बढ़िया है, यहाँ एक वॉच टावर बन रहा है शायद, अभी तो नहीं बना है। हम लोग बाइक लेकर आए हैं, लेकिन ये ड्राइवर भैया के साथ यहाँ पे आके बात हुई है। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप लोग आते हैं यहाँ पे, ये पूरा आपका साइट सीइंग का गाड़ी, एसी गाड़ी, नॉन एसी, आपको जो चाहिए मैं इनका नंबर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग मार्बल लेक पे आए हैं, आप देख सकते हैं ये भी थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब चढ़ाई करना पड़ेगा और पत्थर पत्थर स्कूल को काट के ऐसा बना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है एक्चुअली। ये है लेक एंड ये देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़। बीचों बीच पूरा एक बड़ा सा लेक। सो ये है मार्बल लेक, यहाँ पे देख सकते हैं काफी लोग भी हैं, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट जैसा भी दिख रहा है एंड छाव है इस साइड व्यू का। अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे आप कुछ टाइम आधा घंटा बिता सकते हैं, बहुत अच्छा पिक्चर्स क्यू भी है, अच्छा फोटोज भी ले सकते हैं। अभी हम लोग बामनी फॉल्स की तरफ जा रहे हैं। बामनी फॉल्स, ये टिकट काउंटर है, यहाँ से गेट पे ताला पड़ा हुआ है। अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है सो हम लोग तो देख नहीं पाए बामनी फॉल्स, लेकिन यहाँ से अंदर की तरफ काफ़ी नीचे जाना पड़ता, बट अभी ये गवर्नमेंट के रिपेयरिंग, ये देखिए। वो वहाँ पे दिख रहा होगा ये फॉल्स का पानी। दुर्गा फॉल्स पे आ गए हैं, ये अभी के लिए लास्ट साइट सीन का प्लेस है। फॉल्स ना बहुत नीचे दिख तो नहीं रहा है, नीचे चल के देखते हैं फिर। फॉल्स दिख रहा है यहाँ से, आप देख सकते हैं। ये ऐसा पूरा चढ़ाई है, कोई रोड नहीं है। अभी हम लोग लास्ट डेस्टिनेशन तुर्गा डैम की तरफ जा रहे हैं। लास्ट वाला सेकेंड लास्ट था तुर्गा फॉल्स, अभी तुर्गा डैम। ये है तुर्गा डैम, ये देखिए इस साइड कितना पानी है और ये अदर साइड पूरा पानी रुका हुआ है, कुछ नहीं है इधर, जंगल पहाड़ ऊपर। अभी हम लोग थोड़ा देर के लिए लंच करने के बाद अपने रूम पे आए थे, चेंज कर ली हूँ मैं क्योंकि बहुत, मतलब सुबह गर्मी था तो थोड़ा सा अनइजी टैकी सा लग रहा था, तो अभी फिर से निकल रहे हैं। अभी बज रहे शाम के 5, सो अभी जाएंगे खुकुबुड़ी डैम एंड देन जाएंगे मुखोशग्राम। मुखोश ग्राम सुनकर मैं अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाई थी, थोड़ा छोटा सा गांव जैसा कुछ होगा, यू नो, बट ये तो दो रोड के तरफ शॉप्स है। मैं पूरा आपको 360 व्यू दे रही हूँ एंड वो दुर्गा पूजा टाइम था तो थोड़ा डेकोरेशंस भी था। यहाँ पे एक दो दुकान का मैं ओवरव्यू दिखाती हूँ। बहुत टाइप का मुखोश मिलता है, ये 50 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, 5,000 तक जाता है। কাজের ওপরে ডিপেন্ড করে।
यहाँ पे और एक दुकान का मैं दिखाती हूँ, कितना बड़ा भी मिल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं छोटा छोटा कथाकली ये सब भी मिल रहा है। अभी बज रहे सुबह के 9:30, सो हम लोग रेडी हो गए हैं। एंड देन आज इस बार के लिए ये जर्नी यहीं पे ख़त्म हो रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट कब मिलते हैं और कहाँ जाते हैं। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि और कौन कौन से यू नो वीकेंड डेस्टिनेशन हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि एज पर माय नॉलेज मैं बहुत सारे डेस्टिनेशन घूम चुकी हूँ ऑलरेडी। मुझे बहुत ज़्यादा यू नो खोजना पड़ता है कोई नया ऑफ बीट लोकेशन के लिए, जो अराउंड 6 to 7 hours ड्राइव में हम लोग पहुँच सकते हैं। सो डू हेल्प मी आउट एंड कमेंट डाउन बिलो कि नया कौन सा जगह जो आप लोग गए हैं एंड बहुत अच्छा लगा है वहाँ मैं भी जा सकती हूँ। सो टिल देन,